मैंने ये सुना है कि अबाउट मी, मैंने ये सुना है कि तुम्हें ऐसे कभी पहले देखा नहीं, ऐसी फिल्म करते हो और ऐसा डांस करते हो, ये बहुत सुन रहा हूँ मैं। यू ऑब्वियसली मुझे भूतनी के रूप में तो देखा नहीं है, बट एनी वे देयर एवरीबडी इज लविंग द सेंडिंग अ लॉट ऑफ लव फॉर द ट्रेलर। कुछ 13 या 14 मिलियन ऑलरेडी हो गए हैं एंड तो ये दिखता है कि ऑडियंस से ज़्यादा लाइक कर रही है। सो इट्स, मेरे कैरेक्टर का नाम है नानू, वो काफ़ी वो क्रिमिनल किस्म का आदमी है और वो अपने दोस्तों के साथ लोगों के घरों पे कब्जा करता है और उन्हें सस्ते में खरीदता और ज़्यादा में बेचता है, यू नो। और एक दिन उसकी ज़िंदगी में एक भूतनी आ जाती है जिसकी वजह से वो अपना काम नहीं कर पा रहा है, क्राइम भी नहीं कर पा रहा है, थोड़ा सा लल्लू बन गया है, अभी एक क्रिमिनल से एक लल्लू बन गया है वो। आई थिंक उसी में कुछ कॉमेडी है और इसी में वो रिडेम्पशन है उस कैरेक्टर के लिए। मैं भूतनी बनी हूँ तो जाके फिल्म देख लीजिएगा, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा मैं क्या कर रही हूँ। ये तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी, पर उतनी स्कैरी नहीं है क्योंकि ऑल्सो इट्स अ कॉमेडी फिल्म, तो स्पूक्स यहाँ वहाँ है पर इट्स अ वेरी स्वीट फिल्म। मेरे को बेस्ट लगे अभय, मतलब ऐसे ठुमके एंड दैट टू सो हाउ डू यू कॉल, लाइक सपना को वो मतलब कॉम्पिटिशन दे रहे तो फुल आइटम बॉय में मुझे बड़े अच्छे लगे। यार मेरा हमेशा ये मेंटेन मैंने किया है ना कि मुझे सॉन्ग एंड डांस नहीं करना है, अगर वो कहानी को रुकावट में डाल देगा तो फिर क्यों डाल रहे हैं हम वहाँ पर। मैं तो वैसे भी, मुझे तो नाचना आता नहीं है, बट यहाँ पे क्या हुआ था, उन्होंने समझाया मुझे कि यार शादी है, सपना चौधरी को तुम जानते हो? मैंने बोला हाँ जानता हूँ। तो सपना को इनवाइट किया उन्होंने, वो परफॉर्म कर रही है, वो तेरे कैरेक्टर को देखती है, तुझे बोलती ऊपर आ और तू फिर वो नाचता है उसके साथ। और मैंने देखा कि हाँ यार ये तो सीन ही रहा ना फिर, मतलब कि एक तो एक डिफाइनिंग मोमेंट मिल गया मुझे मेरे कैरेक्टर के लिए कि वो ऐसे नाचेगा, सपना का फ़ैन रहेगा, ऐसी शादियों पे जाएगा, अपने दोस्तों के साथ ऐसे वो करेगा, तो मुझे बहुत हेल्प मिली और मैंने उसको एक सीन की तरह ट्रीट किया है, ना कि गाने की तरह ट्रीट किया है, यू नो। तो मैं खुश था करके, और ऑफकोर्स सपना, आई मीन इट वॉज अमेजिंग टू वर्क विद हर। मैं बिलीव करता हूँ कि ज़रूर होंगे, मैं मेरा कभी कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं रहा है, पर उसका ये मतलब नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है। I'm sure exist करता है, you know. Really? I don't know. I take a neutral stand on these things. I don't. It'll be arrogant. It'll be arrogant to think, you know, that you know it all. It's like the world revolves around the earth. Yeah. You know the arrogance of that. That's and you realize no, the earth revolves around the sun. मैं आँखों देखी मैं believe करती हूँ, तो मैंने देखा नहीं है, तो मैं नहीं बिलीव करती हूँ। See, that's scary. That means you're calling upon it to prove it exists. It's like telling the universe कि आओ। Yeah, come. I'm bending over. मैं बिलीव करती हूँ। है भाई, no आप हैं। एक रोल था जब मैंने देवडी का आइडिया कंसीव किया, मेरे दिमाग में था बचपन से कि हाँ देवदास का कैरेक्टर करना चाहिए एक दिन, तो इसलिए मैंने उसका ट्रीटमेंट लिखा और उसको डेवलप करवाया, बट उसके अलावा ऐसा कोई था नहीं ड्रीम रोल। नहीं, नो, आई डोंट हैव एनी ड्रीम रोल एज सच, पर मैं अच्छी फिल्मों का हिस्सा ज़रूर बनना चाहती हूँ, यही मेरा ड्रीम है। यू नो व्हाट, ख्वाहिश तो ये है कि सारी फिल्में अच्छा काम करें, यू नो, एंड आई थिंक वो पॉसिबल है। ऑडियंस नंबर्स हैं हमारे पास, अगर एक फिल्म को अच्छी तरह से मार्केट किया गया है, कम से कम लोगों को अवेयरनेस तो है कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो फिर उसके बाद में वर्ड ऑफ माउथ पर चलेगी फिल्म, यू नो। मार्केटिंग विल सर्व अ पर्पस टू ब्रिंग अटेंशन, टू ब्रिंग अवेयरनेस, वो वहाँ से आ जाएगी, एंड देन फॉर फिल्म टू डू वेल वो फिर प्रोडक्ट पे डिपेंड होता है। एंड आई बिलीव दैट हमारे पास ऑडियंस है टू सस्टेन 4-5 मूवीज, एंड मैं होप करता हूँ कि चारों फिल्में चलें, पाँचों फिल्में चलें। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट इन द एंड ऑफ द डे। मैं माजिद मजीदी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो मैं तो लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ उस फिल्म को देखने के लिए, एंड मैं तो चाहता हूँ लोगों को ये अवेयरनेस पहुँचे कि इतना बड़ा डायरेक्टर है, इतना हम्बल और टैलेंटेड है, अब हम उनके साथ आ रहे हैं, यू नो। सो आई वुड वॉन्ट हिज फिल्म टू डू वेल, आई वुड वॉन्ट आवर फिल्म टू डू वेल, आई वुड वॉन्ट राजकुमार्स फिल्म टू डू वेल, यू नो। एंड आई थिंक अगर अच्छी बनी है तो फिर इन सबको ऑडियंस मिलेगी। मैं हमेशा से चूज़ी रहा हूँ, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं जल्दी करूँ काम, है ये नहीं कि मुझे लंबे ब्रेक्स चाहिए, बट वो हो जाता है, स्पेशली क्योंकि मैं फॉर्मूला वाली फिल्में नहीं करता हूँ, तो मेरी जैसी फिल्में कम बनती हैं, तो फिर ऑब्वियसली उनमें टाइम लग जाता है।
लेकिन पिछले साल से मैं बिजी रहा हूँ, मैं 5 फिल्में शूट कर चुका हूँ, 2-3 और शूट करने जा रहा हूँ ये साल में। आई थिंक लेटली मैंने नोटिस किया है कि काफ़ी लोग अभी थोड़ा अलग तरह से सोच रहे हैं, थोड़े ज़्यादा बड़े चांसेस ले रहे हैं। एंड आई थिंक शायद अभी वो टाइम आ गया है 2007-8-9 में जब मैं ऐसी फिल्में बना रहा था, तब और कोई बना नहीं रहा था। उनको रिलीज़ उनको इसलिए मिली क्योंकि उस वक्त मल्टीप्लेक्सेस बन रहे थे, उनका एक एक्सप्लोजन चल रहा था, तो इसलिए वो फिल्में निकल गई। लेकिन फिर जब वो मल्टीप्लेक्सेस बनने बंद हो गए तो फिर उनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी कम हो गई वापस। लेकिन अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गया है तो शायद उसकी वजह से अभी और भी लोग आ रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म वाले शायद बोल रहे होंगे कि हमें ऐसे टाइप के आइडियाज़ चाहिए। हाँ, स्टार चाहिए लेकिन हमें आइडियाज़ भी नहीं चाहिए, हम वो इमेज के साथ नहीं जा रहे हैं, हम अपनी इमेज के साथ जा रहे हैं। तो शायद उसकी वजह से और भी एक एक्साइटमेंट आ गया इंडस्ट्री में। सो होपफुली यू विल सी अ लॉट मोर ऑफ मी। कपिल को तो अगर मुझे कपिल को देनी पड़ेगी तो मैं उनको फोन करके बोल दूंगा ना एडवाइस, आपको क्यों बोलूं, टीवी को क्यों बोलूं मैं, क्या फायदा होगा उसका। नॉट एडवाइस, क्या कहना चाहेंगे जो डिप्रेशन में चले जाते हैं। सो इन जनरल, जनरल इन जनरल ना, आई डोंट नो, एक तो डिप्रेशन, एक क्लिनिकल डिप्रेशन जो है उस चीज़ के लिए एडवाइस इनफ नहीं होगी, उसके लिए आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। मैं कुछ नहीं कर सकता और दे सकता हूँ किसी को जो जेन्युइन डिप्रेशन में है। बट हाँ, बेसिक डिप्रेशन तो हम सबको होती है, और मैं भी एक एक्टर हूँ, तो मैंने अपने आप को कैसे रोका उससे या उससे कैसे मैं निकला हूँ, वो ये है कि मैं अपने आस पास देख लेता हूँ कि अच्छा मेरे पास है क्या, अच्छा परिवार है, छत है, ओके कौन सी फिल्में की है मैंने, ये करनी थी बना दी, वो करनी थी बना दी, अब हिट गई फ्लॉप गई कौन जाने, क्या फ़र्क पड़ता है, बट तेरी मनमानी भी हुई है। सो व्हाट एम आई डिप्रेस्ड अबाउट, अभी प्रॉब्लम है लेकिन उस टाइम भी प्रॉब्लम्स थी। हाँ, फिर भी बन गई वो फिल्में, निकल भी गई। अभी थोड़ी और प्रॉब्लम ज़्यादा है, डिफ़िकल्ट है, हाँ, पर किसने कहा कि ज़्यादा आसान होगा। और फिर जब अपनी खिड़की के बाहर देखता हूँ और बच्चे हैं जो भीख मांग रहे हैं, किसी के हाथ नहीं है, किसी की लात नहीं है, तो क्या मेरी ज़िंदगी इतनी ख़राब है, इनकी ज़िंदगी देखो। आई थिंक मैं अपने आप को फिर बता देता हूँ कि यार लाइफ इज़ नॉट जस्ट अबाउट यू, तुम अकेले नहीं हो जिस पर ये बीत रही है, बहुत सारे हैं और हर किस्म के लेवल हैं लोगों के। तो मैं अपनी प्रिविलेजेस पर फोकस करता हूँ फिर, और मैं देखता हूँ मेरी इतनी प्रिविलेज है, और फिर सडनली वो डिप्रेशन से मुझे थोड़ा अपने आप पर एक डिसअपॉइंटमेंट आ जाती है कि तुझे इतना दिया हुआ है लेकिन तू फिर भी रो रहा है और चीज़ों के लिए, यू नो, एंड देन उसके बाद में थोड़ा कंपैशन भी आ जाता है। I don't know. Nowadays, everybody is saying I'm depressed. That's why I said, you know, clinical depression. Yeah. You can't comment on. I really don't know. If you are depressed, then go to a psychiatrist, psychotherapist, and get yourself healed. Otherwise, it can lead to big problems. Yeah. Sometimes you can just take a break. Maybe just a little break from work. Just go travel, have fun, meet new people. It might help you. You never know. कुछ मेरे से मत. पता लिखा हूँ. आपके अंदाज में अगर कुछ. 20 अप्रैल को हमारी फिल्म नानू की जानू आ रही है. Please जाके देखिएगा. So basically अभय को आप मत पूछे, क्योंकि जब अभय बोलना शुरू करता है तो वो बोलते हैं बियॉन्ड द क्लाउड्स जाके देखिए, क्योंकि उनकी फेवरेट फिल्म मेकर की फिल्म है। पर मैं मानती हूँ बिल्कुल जाके देखिए, पर हमारी फिल्म पहले जाके देखिए। तो अभय जो बोलेंगे सुनिएगा मत। मैं नहीं कुछ बोलूंगा, इसने बोल दिया। मैं तो अभी रोक रहा हूँ अपने आप को, अपनी खुद की फिल्म नहीं बेच पा रहा हूँ।